मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रमदान एपिसोड 3 में आप सबको वेलकम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे आप सब लोग, उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज की इस वाली वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ रिलेशन ऑफ सूरह अलक एंड रमदान। प्रीवियस वीडियो में यानी कि पिछली वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था रिलेशन ऑफ कुरान एंड रमदान। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा रिलेशन ऑफ सूरह अलक एंड रमादान। तो शुरू करते हैं वीडियो को अल्लाह के नाम से। सूरे अलग जो के कुरान के 30वें आखिरी पारे में है। सूरे अलग का अहम तरीन रिलेशन रमजान से ये है कि सूरे अलग रमजान में ही नाजिल हुई है। नहीं, पूरी सूरह अलक रमजान में नाजिल नहीं हुई। Only first 5 starting verses of सूरह अलक revealed first। सूरह अलक क्यों नाजिल हुई, कब नाजिल हुई, कैसे नाजिल हुई, ये सब मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस में बता चुका हूँ, बल्कि पिछली वीडियो में भी बताया। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो जल्दी से जाके देखिए, लिंक इन दी डिस्क्रिप्शन। लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा सा समराइज करके बता देता हूँ। सूरह अलक First 5 starting verses, which were Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq, khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana. ये वो first 5 verses हैं जो कि सबसे पहले गारे हीरा यानी कि केव ऑफ हीरा में रिवील हुई थी। आर्चनल द किंग ऑफ एंजल हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम पहली वही फर्स्ट रेवलेशन हमारे प्यारे नबी के पास लेकर आए थे। हमारे प्यारे नबी गारे हीरा में आराम फरमा रहे थे। यानी कि हमारी वीडियो का जो टॉपिक है डेट सूरह अलक और रमजान का क्या रिलेशन है, तो ये है कि रमजानुल मुबारक के महीने में सूरतुल अलक की फर्स्ट 5 वर्सेस नाजिल हुई थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रमजान एपिसोड 3 यही पे एंड होती है। उम्मीद आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। इंशाल्लाह मिलना होगा आप लोगों से किसी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में। जब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।